पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री कंट्री और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश करता है कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो फॉलो किया जाता है और उसमें पॉलिटिकल एक्टर्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो की प्लेयर्स हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम में। उसके अलावा लोगों का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट द क्वेश्चन इज़ दिस कि इन सब इंस्टीट्यूशंस को होते हुए और ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के होते हुए क्या पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी है और वेदर इट इज़ अ ट्रू डेमोक्रेसी और नॉट, और अगर नहीं है तो उसकी क्या वजूहात हैं, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बींग अ सिटीज़न ऑफ अ कंट्री। और उसके लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम हिस्टोरिकल एविडेंसेस को देखें, हिस्टोरिकल इवेंट्स को देखें ताकि हमें पता चले कि हमारे मुल्क में डेमोक्रेसी है या नहीं है, और अगर है तो वो किस किस्म की है और उसकी क्या रीज़न्स हैं जिनकी जिसकी वजह से डेमोक्रेसी की ये शक्ल जो है वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है। At the time of the creation of Pakistan, जो पहला constitution हमने adopt किया as a country और as a independent state, वो Government of India Act 1935 था। उस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया के पास इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था या उसको डेवलप करने का टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने अडॉप्ट किया और उसकी वजह से पार्लियामेंट्री सिस्टम को जो है वो फॉलो किया गया फॉर एस्टैब्लिशिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। और उस वक़्त गवर्नर जनरल जो था वो की पोजिशन थी, जिसके पास मैसिव पावर थी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दैट टाइम, और वो जो सिस्टम था उसको अडॉप्ट एज इट इज़ कर लिया गया जो कि पहले प्री पार्टीशन यूनाइटेड इंडिया में या सब कॉन्टिनेंट में इस्तेमाल होता था, और उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने उसी सिस्टम को जो है वो परसू किया अनटिल और अनलेस जब तक एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान ने अपना नहीं बना लिया। So democratization of political system was neglected in initial stage of Pakistan. So अगर हम democracy को देखें तो जो हमारा political system था उसकी democratization जो थी वो ही neglect होगी at the very beginning of the Pakistan when it is started its journey as a new state or a new independent country. Administrative and management problems due to partition forced to neglect democratization. उस वक़्त जो important जो एजेंडा था या इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स थे वो ये थे कि माइग्रेंट्स को सेटल किया जाए और उनके लिए एक बेहतर ज़िंदगी जो है वो प्रोवाइड की जाए, क्योंकि पार्टीशन की वजह से इट वाज अ मैसिव माइग्रेशन इन पाकिस्तान, और उनको सेटल करना और उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज को डील करना उस वक़्त प्रायर एजेंडा था फॉर द गवर्नमेंट ऑफ दैट टाइम, और इस वजह से जो है वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पोलिटिकल सिस्टम जो है वो निगलेक्ट हुई और ज़्यादा फोकस जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट इशूज़ थे ताकि माइग्रेंट्स को सेटल किया जाए और वो जो सेटलिंग फेज़ है वो एक अच्छे तरीके से हो जाए। उसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट था जिसकी वजह से डेमोक्रेसी जो है वो निगलेक्ट हुई और पॉलिटिकल सिस्टम एक प्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम के तौर पे इस्टेब्लिश नहीं कर सका, वो ये था कि अनफॉर्चुनेटली द डेथ ऑफ कायद आज़म, और 1948 में बिल्कुल एक साल के बाद जब उनका इंतकाल हुआ तो उसकी वजह से जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ इन द नेशनल लीडरशिप उसने भी इस प्रॉब्लम को प्रोलोंग किया। उस वक़्त जो लीडर्स अवेलेबल थे वो ज़्यादा पर्सनालिटीज़ रीजनल लेवल के ऊपर थी, एथनिक बेसिस के ऊपर लीडरशिप थी उनकी या रिलीजियस उनकी बेसिस थी, लेकिन जो नेशनल लीडरशिप थी वो उसकी एब्सेंस की वजह से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ और उस लीडरशिप ने फिर ऐसा कंसेंसस नहीं क्रिएट किया जिसकी वजह से इस पर फोकस किया जाता कि पोलिटिकल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया जाए, उसको डिवेलप किया जाए, और इस तरह से ये मसला जो है वो ज़्यादा लिंगर ऑन हुआ। ब्यूरोक्रेसी बिकेम स्ट्रेंथन्ड इन पाकिस्तान क्योंकि जो प्रायर एजेंडा था या ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट इश्यूज़ को डील किया जाए, और उस वक्त उसके लिए ब्यूरोक्रेसी का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि वो स्टेट मशीनरी थी जो कि काम करती थी फॉर डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ ऑफ द कंट्री, और वो ब्यूरोक्रेसी जो थी वो एक्सपर्ट थी, स्किलफुल थी, एजुकेटेड थी, क्योंकि हमने इनहेरेंट किया था वो सारा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम जो कि इंग्लिश सिस्टम था
था और उसी को एज इट इज़ यहाँ पर फॉलो किया गया, और उन्हीं की ट्रेनिंग के बाद ये ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो पाकिस्तान में भी आए थे, जिसकी वजह से उनकी स्किल लेवल और उनकी एक्सपर्टीज जो थी वो बहुत बेहतर थी, और उन्होंने बहुत इफ़ेक्टिवली रोल प्ले किया इन मैनेजिंग द डिफरेंट अफेयर्स ऑफ द स्टेट, और इस वजह से जो उनका रोल था वो बहुत स्ट्रेंथन्ड भी था, और उनको एज एन इंस्टीट्यूशन भी जो थी वो एक इम्पॉर्टेंस हासिल होती गई इन द पोलिटिकल सिनेरियो और इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सिनेरियो ऑफ पाकिस्तान. एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम पाकिस्तान में इस्टेब्लिश नहीं हो सका या वो निगलेक्ट हुआ, वो रिपीटेड मार्शल लॉज थे. पाकिस्तान ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 56 में बनाया, जो कि पहला इम्पॉर्टेंट इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का, और उसको फॉलो किया गया. लेकिन उसके फौरन ही बाद 58 में पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान में आया, जिसकी वजह से पॉलिटिकल सेटअप को ख़त्म कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया गया, और मार्शल लॉ जो था, मार्शल लॉ गवर्नमेंट जो थी वो इन्फोर्स की गई पाकिस्तान में, जिसने डेमोक्रेसी को डिसकॉन्टिन्यू कर दिया. सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसकी वजह से पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल सेटअप जो है वो फ्लरिश नहीं कर सका पाकिस्तान में. मार्शल लॉज वीकेंड द डेमोक्रेसी. सो ये वो प्रॉब्लम है, और रिपीटेड मार्शल लॉज जो हैं वो पाकिस्तान में आए, और मिलिट्री इंटरवेंशंस जब बार बार आई तो उन्होंने डेमोक्रेटिक सेटअप को जो है वो ख़त्म किया, और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हैं वो वक्त के साथ साथ बढ़ती गईं, और जो पॉलिटिकल वैक्यूम था वो क्रिएट होता गया, क्योंकि एक तो रीज़न एब्सेंस ऑफ लीडरशिप भी थी, और दूसरी रीज़न ये थी कि उनका जो टाइम पीरियड था गवर्नमेंट का, उनको वो एक अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिलता था जिसमें वो काम कर सकते, वो सीख सकते, और इन सब वजूहात की वजह से जो एक पॉलिटिकल सेटअप है वो डिसकॉन्टिन्यूटी का शिकार रहा, और उसकी वजह से जो डेमोक्रेसी है वो पाकिस्तान में फ्लरिश नहीं कर सकी.